हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है और उससे कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। डिटरमिनेंट क्या होता है? जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास कंडीशन क्या होती है? जो मैट्रिक्स है वो क्या होनी चाहिए? स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्केयर मैट्रिक्स क्या होती है? मैंने आपको बताया था जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, उसको बोलते हैं स्केयर मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? स्केयर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है? 2x2, ठीक है दोस्तों। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे किया जाता है? क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, फाइंड ए डिटर्मिनेंट। इसका मतलब क्या है? इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। ए का, ए के दोनों तरफ ऐसे खींच दी लाइन, ड्रॉ कर दी, इसका डिटरमिनेंट हो गया। तो इसको भी डिटरमिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे 2 3 4, ठीक है दोस्तों। आप देखते ही समझ जाएंगे भी इसका क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट के साइन होते हैं साइड में। तो आइए डिटरमिनेंट देखते हैं कैसे फाइंड किया जाता है। इसी मैट्रिक्स का देखते हैं। आपको करना क्या है? इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो पहले, 4 × 4 और बीच में साइन माइनस का, उसके बाद 2 × 3 = 6, ठीक है दोस्तों। जो सॉल्व करके आया वो मेरा क्या जाएगा? डिटर्मिनेंट। यानी कि यहाँ लिख देता हूँ, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? -k2। एक और एग्जांपल देख, 3x3, यानी कि इसमें 3 रो होंगी और 3 क्या होंगी? कॉलम होंगी। इसका डिटर्मिनेंट मैं सीधा लिख देता हूँ, 1 2 3 0, 1 2 2 3 4, ठीक है दोस्तों। इसका क्या फाइंड आउट करना मुझे? ए डिटर्मिनेंट। आइए करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको? फर्स्ट रो सेलेक्ट कीजिए। फर्स्ट रो सेलेक्ट कर ली, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट रो सेलेक्ट कर लीजिए, फर्स्ट एलिमेंट लिखिए इसका, लिख दिया ऐसे। उसके बाद क्या करना है? इसके सामने वाले एलिमेंट छोड़ दो और इसके इस साइड वाले एलिमेंट छोड़ दो। तो क्या बचे? ये बचे, मैं लिख देता हूँ ऐसे, छोड़ दो। क्या बचा मेरे पास? ये बचे। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 × 4, बीच में साइन माइनस का, उसके बाद 3 × 6, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सीक्वेंस चलेगा, पहले प्लस था, यहाँ पे प्लस था साइन, उसके बाद माइनस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसे सेम क्या किया, 1, अब 2 सेलेक्ट कर लो, 2 2, यहाँ पे 2 लिखो, 2 के सामने वाला और 2 के इधर वाले दोनों छोड़ दो। क्या क्या बचे? ये और ये बचे। इसके साथ मल्टीप्लाई, अगर आप इस तरह से चल रहे हो तो ऐसे ही चलोगे, जैसे इसमें मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई की थी, तो अगले स्टेप में भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ऐसा नहीं है भी आप इसके साथ करो, तो ना इसके साथ करेंगे। 4 × 0 के साथ की क्या होता है? 0 और बीच में साइन माइनस का और 2 × 4, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये भी ख़त्म। फिर किसकी बारी आएगी? 3 की बारी आ जाएगी। प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता रहेगा सीक्वेंस, प्लस माइनस प्लस, सेम रिपीट करना है प्रोसेस। इसके सामने वाले छोड़ दो और इसके सामने वाले छोड़ दो। क्या बच गए? ये बच गए 4, 3 × 0 = 0, मैं ऐसे ही चल रहा हूँ। 3 × 0 के साथ की क्या होता है? 0 माइनस के 2, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व कर लो, ये क्या गया? 6 × 4 गया, माइनस के 2, ये क्या आ गया? -k4, और यहाँ क्या आ जाएगा? 3 × 6, -k6। इसको सोल्व किया, -k2, +k8 और -k6, ठीक है। तो इसको सोल्व किया, क्या आ जाएगा? -k8 और +k8, तो क्या आ गया? 0। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया मेरे पास? 0, ठीक है। ऐसे हम 3x3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं, डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया एग्जाम में 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6 और x, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? यहाँ पे 2 डिटरमिनेंट बराबर है और फाइंड क्या करना है मुझे? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आइए करते हैं। क्या सिंपली इसका डिटरमिनेंट निकाल दो। डिटरमिनेंट क्या निकाल लेंगे इसका? इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 × 2 माइनस के, 5 × 20, ठीक है दोस्त। इस तरफ डिटरमिनेंट बराबर, इसका भी डिटरमिनेंट निकाल दो। 2x की x के साथ करेंगे क्या हो जाएगा?
टू एक्स स्क्वायर और माइनस के, चार छके 24, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, जो आपका आ जाएगा वो क्या आंसर आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस के 18, इधर क्या आ जाएगा 2x² माइनस के 24, माइनस के 18 इधर 24 आके इधर क्या आ जाएगा प्लस का 24 2x², ये क्या हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 2x², 3 कट गया, x² क्या आ गया 3, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, तो ये क्या हो जाएगी मेरी x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया मेरे पास 2, 3, 4, 5, ठीक है दोस्तों, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू मुझे किसके बराबर दे रखा है, एक्स 3, 2x और 5, और आपसे एक्स की वैल्यू पूछ ली जाएगी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सिंपल है, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 5 × 10, ठीक है, उसके बाद माइनस 4 × 3 = 12, ठीक है दोस्तों, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x और माइनस के 6x, इसको सोल्व कर लो जो x की वैल्यू आ गई मेरे पास, इसके साथ मल्टीप्लाई तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2, ठीक है दोस्तों। इस तरह से भी आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया x माइनस के 2 माइनस 3 3x और 2x, ठीक है दोस्तों, इसका डिटरमिनेंट आपको दे दिया जाएगा 3 के बराबर, तो फाइंड x, x की वैल्यू मुझे क्या करनी है फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, सिंपल, इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो पहले, x माइनस 2 2x माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस का 3 है और 3x इज इक्वल टू किसके बराबर आई 3 के बराबर, इसको सॉल्व कर लो, पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x² माइनस के 4x और ये क्या आ जाएगा प्लस के 9x इज इक्वल टू 3, ठीक है दोस्तों, ये क्या बन गया 2x² प्लस में 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर लेते हैं 2x² प्लस 6x माइनस x माइनस 3, ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू किसके बराबर है 0 के बराबर है, यहाँ से 2x कॉमन, अंदर क्या बच गया x प्लस 3 और यहाँ से माइनस 1 और अंदर क्या बच गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और ये आ गया 2x माइनस 1 और यहाँ क्या बच गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू तो 1/2 आ गई, एक क्या आ गई माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गई a इज इक्वल टू 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ठीक है दोस्तों, ये क्या एक 3x3 की मैट्रिक्स है और आपसे 3a का डिटर्मिनेंट पूछ लिया जाए, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो पहले क्या है, मैट्रिक्स ए है, पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा 3a, यानी कि इस मैट्रिक्स के किसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 के साथ, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हर एलिमेंट के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 3 3 के 0 के साथ 3 3, यहाँ 0 यहाँ 3 यहाँ 6 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 12, ठीक है दोस्तों, ये तो कहा गया 3a। अब इस 3a का मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, यानी कि 3a का डिटर्मिनेंट, आइए करते हैं। कैसे करेंगे, पहले क्या करना है, इस एलिमेंट को लिखना है, इस एलिमेंट को लिखा मैंने, ठीक है, इसके सामने वाले ये छोड़ दिए और ये छोड़ दिए, क्या बचे, ये बचे, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई, अगर आप ऐसे चल रहे हो तो हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, ठीक है, 12 × 36 माइनस के 6 की 0 के साथ 0, ठीक है दोस्तों, पहले प्लस उसके बाद माइनस, ये कर दिया मैंने, अब इसको छोड़ के इसको सिलेक्ट करना है, ये लिखो यहाँ पे 0, इसके सामने वाले छोड़ दो और इसके सामने वाले छोड़ दो, यानी कि 0 के इधर वाले भी छोड़ दो और 0 के इधर वाले भी छोड़ दो, तो क्या बचे ये और ये, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 12 × 0 के साथ 0, बीच में साइन माइनस का जैसे यहाँ भी यहाँ भी, और 6 × 0 के साथ 0, ठीक है दोस्तों, अब ये भी ख़त्म, उसके बाद प्लस माइनस फिर प्लस, ये इसके सामने वाले इधर वाले छोड़ दो, इसके सामने वाले इधर वाले छोड़ दो, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 और माइनस 3 × 0 के साथ 0, ठीक है दोस्तों, बस इसको सॉल्व कर लो, 3 36 में से 0 गए 36 और माइनस 0 में से 0 है तो सारे 0 आ जाएगा,
और प्लस ये भी क्या आ जाएगा, तीन की जीरो के साथ जीरो, तो 36 तीन छः अठारह, तीन तीन और एक 10, तो 3A का डिटरमिनेंट मेरे पास क्या आ गया, 108। ठीक है दोस्तों, इस तरह से भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं डिटरमिनेंट से रिलेटेड, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया a इज इक्वल टू एक्स टू माइनस वन टू फाइव एक्स माइनस वन टू और एक्स। ठीक है दोस्तों, इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो के बराबर, और फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू आपसे पूछ ली जाएगी। आइए इसका डिटरमिनेंट ओपन करते हैं। क्या करना है, पहले एक्स को लिखो डायरेक्ट करते हैं, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, पाँच के एक्स के साथ पाँच एक्स और माइनस के दो एक्स। ठीक है दोस्तों, प्लस उसके बाद यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस के टू। ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो क्या आ जाएगा, दो एक्स और बीच में माइनस का साइन, और एक्स की माइनस वन के साथ करेंगे माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या, इसको यहाँ प्लस माइनस प्लस प्लस है, पर यहाँ माइनस वन आएगा तो ये माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, दो दूनी चार और बीच में माइनस आएगा, और ये माइनस का पाँच हो जाएगा, तो प्लस का पाँच इजिकल इसके बराबर है जीरो के बराबर है। इसको सॉल्व कर लो, एक्स पाँच एक्स में से दो एक्स गया तीन एक्स, माइनस के दो और एक तीन एक्स, तीन दूनी छः एक्स और माइनस का नाइन इजिकल टू जीरो। ठीक है दोस्तों, इसको थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के सिक्स एक्स माइनस के नाइन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको सोल्व कर लो इक्वेशन को, नौ तीय सताईस, तो तीन एक्स स्क्वायर इसके क्या बन जाएंगे रूट, माइनस के नौ एक्स प्लस के तीन एक्स माइनस के नाइन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से तीन एक्स कॉमन गया तो अंदर कह रहेगा एक्स माइनस के तीन, यहाँ से प्लस तीन के कॉमन गया तो यहाँ से कह रहेगा एक्स माइनस के तीन, एक तो क्या आ गया थ्री एक्स प्लस थ्री और एक क्या आ गया x माइनस तीन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है दोस्तों, इसको आगे सोल्व किया तो x प्लस, इसको आगे सोल्व किया तो थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन, और इसको सोल्व किया x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ गई थ्री, यानी कि x की एक तो वैल्यू आ गई माइनस वन, एक आ गई वैल्यू थ्री। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं।